अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया इलाके में एक नशाखुरानी गिरोह ने निजी कंपनी के मैनेजर को शिकार बनाकर लूटपाट की। इस समाचार के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, नाम ही पहचान है, एक बार अवश्य पधारे। जिले में नशाखुरानी गिरोह सक्रिय है, हाल में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस एक भी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। ताजा मामला अय्यापुर के बैरिया इलाके का है, जहां नशाखुरानी गिरोह के अपराधियों ने बनारस में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मैनेजर को शिकार बनाया और लूटपाट कर ली। अपराधियों ने उनका बैग, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 5,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद बैरिया के समीप कार से उतार दिया। वे लड़खड़ाते हुए बैरिया बस स्टैंड पहुंचे और बेहोश हो गए। वहां के कर्मियों ने उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पीड़ित दीपक झा मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले हैं। बनारस में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते हैं। मंगलवार को उन्हें होश आया, पुलिस भी उनका बयान दर्ज करने पहुंची। पीड़ित ने बताया, गोंदिया एक्सप्रेस से अहले सुबह मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उतरे थे। वे अपने घर मधुबनी जा रहे थे, यहां से बैरिया बस स्टैंड पहुंचे। इसी दौरान कार सवार 3 युवक मिले। बातचीत करने के बाद कहा कि आप कहां जाएंगे। मैनेजर ने कहा दिल्ली मोड़ जाना है, वहां से बस पकड़कर घर चले जाएंगे। कार सवार युवकों ने उन्हें बिठा लिया और दिल्ली मोड़ छोड़ने की बात कही। चंद कदम आगे बढ़ते ही एक चाय दुकान पर कार रोक दिया। तीनों युवक चाय पीने चले गए। कुछ देर बाद एक युवक ने आकर उन्हें भी चाय का कप दिया और कहा पी लीजिए, इसके बाद दिल्ली मोड़ पर आपको छोड़ देंगे। वे चाय की चुस्की लेने लगे। इसके बाद उन्हें बेहोशी जैसी आने लगी। कार युवक ने कहा आगे पुलिस जांच हो रही है, आप यहीं उतर जाइए। वे अपने होश में नहीं थे। अपराधियों ने उनका बैग समेत पूरा सामान ले लिया और भाग गए। वहां से किसी तरह वे लड़खड़ाते हुए बस स्टैंड पहुंचे और बेहोश हो गए। इसके बाद अस्पताल में उनकी नींद खुली। तो रात को रविवार रात को बनारस से गोंदिया से आ रहा था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में उतरने के बाद मैं गया बैरिया बस स्टैंड। बैरिया बस स्टैंड से कुछ एक दो लड़के के साथ उन्होंने बोला कि चलिए, मैं भी जहाँ जाना चाह रहा था, जैसे मैं जाना चाहता था दिल्ली मोड़, तो दिल्ली मोड़ के लिए वो लोग भी बोले चलिए। उसी के गाड़ी में एक ऑल्टो कार थी वाइट कलर की, जिसमें हम लोग बैठे और सारे लड़के, जो 3 लड़के थे, तीनों वही 15, 17, 18 इसी वर्ष के थे। फिर वो बोल रहे थे कि हम यहीं रहते हैं, हम डॉक्टर साहब, एक कोई डॉक्टर थे जिनका वो गाड़ी चला रहा था वो लड़का, तो उसका भी बोला मेरा दिल्ली मोड़ के पास ही घर है, इसलिए चलिए वहाँ तक चले जाएँगे, वहाँ के बाद आप बस पकड़ लीजिएगा। फिर मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैं फिर आगे गया तो फिर वहाँ सब लोग बोले कि चाय एक एक पी लिया जाए। फिर मैंने चाय पिया और वो लोग भी पिए। चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा सा नशा टाइप का लगा और मैं थोड़ा सा अनकॉन्शियस होने लगा। फिर वो लोग थोड़ा आगे गया, बोला आगे डकैती हो रहा है, हो गया है, गाड़ी का चेकिंग चल रहा है, आप थोड़ा सा उतर जाइए, उसके बाद फिर आप वहाँ से आगे हम आपको बैठा लेंगे। मैं वहीं उतर गया। मैं समझ गया था कि अब मैं गाड़ी के पीछे तो दौड़ नहीं पाऊँगा। फिर मैं वहाँ से चला आया और उसके बाद जब वो गाड़ी लेके आगे भाग गया तो फिर मैं पीछे वापस आके बस स्टैंड तक वापस किसी तरह पैदल ही आया। फिर बस स्टैंड में मैं रुका तो बस स्टैंड से मैं बोला किसी से कि मेरे को दरभंगा जाना है, तो बोला आपके पास कुछ पैसे हैं। मैंने देखा जेब में 100-150 रुपये बचे थे, तो मैंने बोला कंडक्टर बोला कि हाँ आपको मैं भेज दूंगा, आप चले जाइएगा। लेकिन वो बोला आप बैठ जाइए, आप उतना सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं वहीं एक पत्थर टाइप का था उसी पे मैंने बैठ गया और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बेहोश हो गया। जब उसके बाद मुझे होश नहीं था, फिर मैं वहाँ के बाद एक हॉस्पिटल में सुबह मुझे होश आया। सुबह का टाइम ही था, लगभग 6 बज रहा था।